बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। दोस्तों, अरेस्ट ऑफ अक्यूज्ड, एक मुल्ज़म की गिरफ्तारी के हवाले से चंद बातें हैं जो आज सुबह एक दोस्त के साथ डिस्कस की गई। मैंने कहा अपने तमाम दोस्तों के साथ डिस्कस की जानी चाहिए। बिला सबूत किसी भी शख्स को गुनहगार करार देकर सजा देना कानून का हरगिज ये विवश नहीं है। कानून नहीं चाहता कि कभी भी किसी बेगुनाह को सजा दी जाए, बल्कि कानून तो ये चाहता है कि 100 बेगुनाह छोड़ दिए जाएं, बजाय इसके 100 गुनहगार लोगों को छोड़ दिया जाए, सवाए इसके कि एक बेगुनाह को सज़ा दी जाए। हर शख्स उस वक़्त तक बेगुनाह है जब तक उस शख्स को गुनहगार साबित नहीं कर दिया जाता। पुलिस या प्रोसिक्यूशन की तरफ से किसी को अल्ज़ाम तराशी या किसी मुकदमे में मुलव्वस करना उस शख्स को मुजरम नहीं बना देता, गुनहगार नहीं बना देता। एक शख्स जिस पर इल्ज़ाम है कि उसने किसी जुर्म का इर्तकाब किया है, उसके खिलाफ कानून हरकत में ज़रूर आता है। सेक्शन 154 CRPC FIR जो है, उसका बुनियादी मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि कानून को हरकत में लाना है। ताहम किसी शख्स की गिरफ्तारी एक मकम्मल ज़ाब्ता, एक मकम्मल तरीक़ाकार वाज़े करती है और कानून बाकायदा उस पर हमें कुछ गाइडलाइन दे रहा है। अरेस्ट के हवाले से सेक्शन 46 मजमूआ ज़ाब्ता फौजदारी 1898 वाज़े कर रही है। सेक्शन 46 सब सेक्शन 1 कहती है कि गिरफ्तार करते वक्त पुलिस या कोई और अथॉरिटी रखने वाला, पुलिस ऑफिसर या किसी एजेंसी का कोई बंदा, इस हवाले से अगर हम देखें तो मजमूआ ज़ाब्ता फौजदारी 1898 कहता है कि गिरफ्तार करते वक्त पुलिस अफसर या कोई शख्स गिरफ्तार करिंदा जो है उसको लाजम है कि वो जिस शख्स को गिरफ्तार करना है उसके जिस्म को फिल वाकिया छुए या हरासत में ले, उसको छू लेना, उसको हरासत में ले लेना उसकी गिरफ्तारी है, सवाए जबकि ज़बानी या अमली तौर पर खुद हरासत कबूल करे। जब एक बंदा खुद ही सरेंडर कर गया है, खुद ही उसने अपने आप को सरेंडर कर लिया, देन छूना या हरासत में लेना गिरफ्तारी के ज़ुमरे से बड़ी बात है। अगर उसने कह दिया सरेंडर कर गया है, देन समझा जाएगा कि ये बंदा अपने आप को सरेंडर, उसने गिरफ्तारी मान ली है। सेक्शन 46 सब सेक्शन 2 एक गिरफ्तारी के प्रोसेस के अंदर मज़ाहमत को डील करती है कि अगर वैसा शख्स उस कोशिश में, जो कोशिश उस मुल्ज़म की गिरफ्तारी के लिए की जाती है, वो मज़ाहमत करे, रेजिस्टेंस करे, भागना शुरू कर दे या गिरफ्तारी देने से ग्रेज कर रहा हो, तो वो पुलिस ऑफिसर जो उसको गिरफ्तार करने आया है या कोई भी शख्स जो पुलिस के अलावा दूसरी एजेंसीज का कोई बंदा जो अथराइज है, वो इस बात की अथॉरिटी रखता है कि उसकी गिरफ्तारी के लिए हर ज़रूरी तदबीर अमल में लाए, किसी तरह भी उसको पकड़ सकता है, उसके अगर सवारी है तो सवारी को टायर ब्रस्ट कर सकता है, अगर वो बंदा भाग रहा है तो कहीं से भी किसी को मदद के लिए पुकार सकता है, कोई भी तरीक़ाकार जो है सेक्शन 46 सब सेक्शन 2 कहती है कि वो इख्तियार कर सकता है। उसके बाद सेक्शन 46 सब सेक्शन 3 कहती है कि किसी शख्स की गिरफ्तारी करने के हवाले से
कोई अमर किसी पुलिस अफसर को या जो अरेस्ट करने वाला शख्स है, जिसको कानून ने इम्पावर किया है इस उस शख्स को गिरफ्तार करने के लिए, उसको 3100 पर इजाज़त नहीं दी जा रही कि किसी ऐसे शख्स को वो मौत के घाट उतार दे जिस पर किसी जुर्म सजाए मौत या उम्र कैद वाली सज़ा जो है जिसमें कैपिटल पनिशमेंट दी जा सकती है। ऐसे जराइम में अगर कोई शख्स भागता है, मज़ाहमत करता है, तो सेक्शन 46 सब सेक्शन 3 पुलिस और दूसरी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को एम्पावर करती है कि वो उसको मौत के घाट उतार सकती है अगर उस मुलज़म का जुर्म जो है सजाए मौत या उम्र कैद यानी कैपिटल पनिशमेंट तक जाता हो। उसके अलावा किसी भी जुर्म में, मसलन चोर भाग रहा है और उसको पीछे से फायर मार दिया है, किसी जेब कतरे को पीछे से फायर मार के पुलिस टॉर्चर के अलावा, आमतौर पे पुलिस मुकाबलों में इस तरह होता है और पुलिस मुकाबलों के जो तरीक़ाकार है उसकी इन्वेस्टिगेशन का, वो जनाब अदालतों में तो कुछ और चल रहा है, मजिस्ट्रेट साहिबान नए नए होते हैं और वो जो मामलात होते हैं आपको पता ही है। अलबत्ता उसकी बेहतरीन रेमेडी जो है वो हाई कोर्ट से, मुख्तलिफ केसेस में हमने देखा कि हाई कोर्ट अच्छे तरीक़ेकार से उसको इन्वेस्टिगेट करके पुलिस को जो नाजायज़ पुलिस मुकाबला है वो करने वाले लोगों को अच्छे तरीके से कैफ़े करदार तक भी पहुँचाती है। हाँ, हम बात कर रहे हैं सेक्शन 46 मजमूआ ज़ाब्ता फौजदारी 1898 की। तो याद रखिएगा कि सेक्शन 46 से लेके सेक्शन 53 तक ऐसी मुलजमान की जो गिरफ्तारियां हैं उनके बारे में जनरल डायरेक्शंस दे रही है। वो डायरेक्शन जो अंडर सेक्शन 75 से लेके सेक्शन 86 वारंट के तहत और सेक्शन 54 से लेके सेक्शन 67 मजमूआ ज़ाब्ता फौजदारी तक जो डील्स करती हैं गिरफ्तारियां बिला वारंट, जो भी वारंट के साथ या बिला वारंट गिरफ्तारियों को डील कर रही है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि गिरफ्तार कनिंदा जो पुलिस अफसर या पुलिस लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी का कोई बंदा गिरफ्तार होने वाले शख्स को फौरन हथकड़ी पहनाए, मुलजम का खुद पुलिस अफसर के हवाले कर देना गिरफ्तारी के लिए काफ़ी है। अपनी ज़बान से, अपने अमल से अगर वो ज़ाहिर कर देता है कि भाई वो सरेंडर कर चुका है तो ये समझा जाएगा कि उसने सरेंडर करके गिरफ्तारी दे दी है। याद रखिएगा कि एक हैंडकफ जो है, हथकड़ी जो है, उसका इस्तेमाल सिर्फ इसलिए जायज़ होता है कि वो गिरफ्तारी का जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट करने के लिए, उसको कन्फाइन एक मुलज़म अपने आप को समझे, इस वजह से हथकड़ी का अमल जो है कानून उसकी इजाज़त देता है। इसके ऊपर बीसियों केस लॉज जो कि सेटल्ड प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस का दर्जा हासिल कर गए हैं वो हम देख सकते हैं PLD 1963 सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पेज 109 के अंदर इस बात को एक बुनियाद के तौर पर डिस्कस किया गया था। उसके बाद ये 20 दफ़ा यही बात रिपीट की गई है। अगर पुलिस ऑफिसर या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी का बंदा जो गिरफ्तारी करने के लिए किसी मुलज़म को गिरफ्तार करने आया है ज़रूरी समझे, तो गिरफ्तारी के लिए वो किसी दीगर शख्स की हेल्प आउट भी कर सकता है। यही वो बात है कि वो एक पुलिस अफ़िसर अपने साथ 10-10, 12-12 प्राइवेट शख्स जो हैं वो रखते हैं। वो सेक्शन 46 सब सेक्शन 2 के तहत उनको, चूँकि मामला इस तरह है कि वो इस कोई भी ज़रा इस्तेमाल कर सकता है, तो एक पुलिस ऑफिसर, हत्ता के मैंने देखा
आम तौर पे या कोर्ट्स में भी कि गिरफ्तार मुल्ज़िम से पूछा कि किस तरह से गिरफ्तार हुए, उसने कहा कि जनाब प्राइवेट एक पुलिस का बंदा या एक FIR का बंदा और बाकी सारे जो थे वो लोग थे जो कि आम लोग थे। अब जब आम लोग आए बाद में मुल्ज़िम को घर वालों को पता चला है, देन वो रजिस्टेंस भी हुई है उसके ऊपर और उसके ऊपर बाकायदा तौर पर FIR भी हुई उन लोगों के खिलाफ और वो लोग बाकायदा तौर पर प्राइवेट पर्सन जो है ख्वाह पुलिस ने उसको इस्तेमाल किया होता है, लेकिन एक लंबा पंगा पड़ जाता है, फंडा पड़ जाता है। और अलबत्ता अगर कोई शख्स उसको अच्छे तरीके से प्रोसिक्यूट करवाना चाहे तो वो करवा सकता है। अब आगे हम बात करते हैं, ये बात डिस्कस की गई है लाहौर हाई कोर्ट PLD 1954 लाहौर हाई कोर्ट पेज 45 के अंदर, इस बात को इंटरप्रेट किया गया। और गिरफ्तार करने वाला जो शख्स है उसके लिए ये मैंडेटरी नहीं है कि वह मुल्ज़िम को गिरफ्तारी की तफसीली वजूहात बताए, बस उसको बताए कि फ़लाँ वजूहात की बना पर आपको गिरफ्तार किया जाता है, फ़लाँ जुर्म की पादाश में फ़लाँ जो शख्स है उसने आपको प्रोसिक्यूट किया है, प्रोसिक्यूशन फ़लाँ बंदा कंप्लेनेंट है और उसने ये आपके खिलाफ FIR करवाई है, उसमें ये है कि आपके खिलाफ ये इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल मिल गया है, अब आपकी गिरफ्तारी मकसूद है, तो कोई लंबी छोटी तफसीलात बताने की ज़रूरत नहीं है। आम असूल ये है कि गिरफ़्तार करने के लिए सिर्फ उतनी ही पावर को यूज़ किया जाए जो गिरफ़्तारी के लिए लाजमी है। गिरफ़्तारी के लिए मुल्ज़िम के जिस्म को छूना काफ़ी होता है, लेकिन अगर मुल्ज़िम खुद अपने आप को जिस्मानी तौर पर या ज़बानी तौर पर पुलिस की हिरासत में दे दे तो गिरफ़्तारी मुकम्मल हो जाएगी। उसको पकड़ने के बाद पुलिस उस पर जो टॉर्चर करती है, अगर तो वो मजिस्ट्रेट को मेडिकल के लिए दे दे फौरी तौर पर कि जनाब मैंने अपनी गिरफ़्तारी दी और फौरी तौर पर इन्होंने मेरे ऊपर फिर भी टॉर्चर किया और मुझे मारा पीटा और गिरफ़्तारी के प्रोसेस मुकम्मल हुआ लेकिन उन्होंने मारा पीटा, तो देन पुलिस के ऐसे जो लोग हैं उनके खिलाफ तरीक़ाकार बाकायदा कानून में मौजूद है और प्रोसिक्यूशन जो है उसको अच्छे तरीक़ेकार से हैंडल कर सकते हैं। महज ज़बान से ये कह देना कि आप गिरफ़्तार हैं काफ़ी नहीं है, बल्कि उसको छूना या हिरासत में ले लेना या वो बंदा ख़ुद कहे कि मैं गिरफ़्तार हो गया, मैं जनाब सरेंडर कर गया हूँ। और याद रखिएगा कि हर शख्स को अदालत में एक गिरफ़्तारी से तहफ़्फ़ुज़ हासिल है कि बाकायदा गिरफ़्तारी जो है वो ऐसा तरीक़ाकार जो कानून के अंदर दिया गया है उसमें जो तहफ़्फ़ुज़ एक मुल्ज़िम को दिए गए हैं कानून के अंदर उसी के तहत उसको गिरफ़्तार किया जाएगा। मसलन ये नहीं है कि एक आम बंदे को पकड़ा गया है जो मैक्सिमम सेंटेंस उसकी ऐसा इल्ज़ाम है जो 10 साल तक हो सकती है, लेकिन उसको पकड़ के पुलिस मुकाबले में पार कर देना ये कतई सूरत कानून इस बात की इजाज़त नहीं देता है। अलबत्ता मेरी बात याद रखिएगा दोस्तों कि अगर हम दीवानी जो मामलात हैं सिविल जेल जिन मामलात में की जा सकती है वैसे मामलात को हम देखें तो याद रखिएगा कि मजमूआ ज़ाबता दीवानी 1908 के तहत हर शख्स को अदालत में आते जाते गिरफ्तारी से तहफ़्फ़ुज़ हासिल है उस प्रोसेस के अंदर, लेकिन CRPC मजमूआ ज़ाबता फौजदारी के तहत कतई सूरत अदालत के आते जाते का भी कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। अदालत से बाहर बंदा गिरफ़्तार, बल्कि यहाँ तक के बंदे को अदालत से भी गिरफ़्तार करवाया जा सकता है, किया जा सकता है। अलबत्ता ऐसे मामलात जो मजमूआ ज़ाबता दीवानी के तहत मसलन आप किसी शख्स से अजरा के लिए उसको सिविल जेल भिजवाना मतलूब है या उसके वारंट होने के बाद गिरफ़्तार करना है तो फिर उस वक़्त तक जेल से कानून देता है प्रिविलेज के चले कोई बात नहीं इसको गिरफ़्तार करवा लेंगे, लेकिन मजमूआ ज़ाबता फौजदारी में ऐसी कोई उसको रायत नहीं मिल सकती है। और ये बात याद रखिएगा कि क्रिमिनल जस्टिस जो है उसका फौजदारी प्रैक्टिस का एक गोल्डन रूल है और ये सेटल्ड प्रिंसिपल है
जो पाकिस्तान बनने से पहले भी डिस्कस किया गया और उसके बाद इसी बात को रिपीट किया गया, क्योंकि ये रूल बन गया था। और ये बात सबसे पहली दफ़ा ऑल इंडिया रिपोर्ट्स 1945 कलकत्ता हाई कोर्ट में डिस्कस किया गया, और ये पेज 107 है ऑल इंडिया रिपोर्ट्स का, जिसमें ये पहली दफ़ा इस बात को बड़े अच्छे तरीके से डिस्कस किया गया था। ऑल इंडिया रिपोर्ट्स बुनियादी तौर पे बहुत अच्छा उसमें हमें मटेरियल मिल जाता है, इंटरप्रिटेशन ऑफ कोर्ट्स हैं, स्टैट्यूट जो भी हैं CPC के और मजमूआ ज़ाब्ते फौजदारी के जो सेटल्ड प्रिंसिपल जो भी किए गए वो ऑल इंडिया रिपोर्ट्स में अच्छे तरीक़ेकार से भी मिल जाते हैं। अलबत्ता बाइंडिंग्स नहीं है हमारी कोर्ट्स के ऊपर, लेकिन चूंकि वो डिस्कस किए गए हैं वहाँ से हम गाइडलाइन दे सकते हैं। अब एक अब्सकॉन्डर हो गया है बंदा, उसको पकड़ने के लिए पुलिस उसके पीछे जाती है और उसको जख्मी हो जाती है, हत्ता के पता चलता है कि इसके गिरफ्तारी के दौरानिए में इस बंदे को फायर लग गया है। तो चूंकि वो रेजिस्टेंस कर रहा था, उसको उसकी गिरफ्तारी मतलूब थी, तो कानून कहता है कि पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए हर ज़रूरी तदबीर अमल में ला सकती है। तो रेजिस्टेंस के नतीजे में उसकी टांग पे फायर लग गया, मौत नहीं हुई उसकी। अगर मौत उस सूरत में लेजिटिमेट हो जाती, लीगल हो जाती, अगर सजाए मौत या उम्र कैद की सज़ा देने हो जाने वाला जुर्म उस पर जो है उसका इल्ज़ाम लगता, देन लेकिन चूंकि एक चोर था, मफरूर था, भाग रहा था, तो उसको फायर पाँव में लग गया, तो उनका ये अमल जो है वक़्ती सूरत जो है वो गैर कानूनी उसको डिक्लेयर नहीं हाई कोर्ट ने किया था। और ये बात बाकायदा तौर पर डिस्कस हुई PLD 1954 लाहौर हाई कोर्ट पेज 45 के अंदर, हत्ता के पुलिस तमाम किस्म के ज़राए इस्तेमाल कर सकती है, शोर मचाकर लोगों को अपनी हेल्प के लिए बुला सकती है, पीछे से रिजर्व फोर्स को बुला सकती है, ये कोई भी आम मामला कर सकती है। और अगर किसी शख्स की गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया गया है और वो वारंट अरेस्ट करने वाला जो अफसर है उसके पास मौजूद होना चाहिए, अगर गिरफ्तार करने एक पुलिस अफसर गया है लेकिन उसके पास वारंट की कॉपी नहीं है, तो देन जो गिरफ्तार जिस शख्स को करना है अगर वो पुलिस के उस अफसर के ऊपर हमला कर देता है, उसको मार पीटता है, तो उसका ये फेल कतई सूरत जुर्म नहीं होगा। और किसी शख्स को गिरफ्तार किए बगैर रोके रखना जो है वो खिलाफ कानून है, क्योंकि अगर उसके खिलाफ वारंट था तो उसको साथ लेके जाना चाहिए था। अब एक मुलज़म को जब रोका है, उसको पकड़ाने की कोशिश की है, उसने रेजिस्टेंस की है, उसने पुलिस अफसरान को भी जख्मी अगर कर दिया है, तो उसका ये फेल जो है बाकायदा तौर पर BCO इस पर केस लाज है। हत्ता के वारंट के बगैर, सर्च वारंट के बगैर लोगों के घरों में पुलिस घुसती है, आगे से पुलिस को रेजिस्टेंस मिलती है, लोग उनको मारते पीटते हैं, तो जैसे देन आला अदलिया यही कहती है कि ये जुर्म नहीं है, क्योंकि हर बंदे की आज़ादी और चादर और चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो हर शख्स को हासिल है, और हर शख्स जो है उसकी एक हुरमत है। Article 4 उसको इंटरप्रेट कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 का, हर घर की एक चार दीवारी की एक हुरमत है, इसको Article 14 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 इसको सपोर्ट कर रहा है। उसमें नाजायज़ गिरफ्तारी अगर है तो देन किसी शख्स को बाकायदा पुलिस देखती है, बेचारा सड़क पर घूम रहा है, वो तो एक अलहदा तरीक़ाकार है जी, कि किसी शख्स को अगर वो वोगा बाउंड डिक्लेयर करती है या वारा गर्द कलंदरा बना के अंदर डाल दे
लेकिन बग़ैर किसी जुर्म के। मेरे पास एक पिछले दिनों केस आया, पुलिस अफसर के दोस्त ने किसी से पैसे लेने थे तो उन्होंने उस शख्स को गिरफ्तार किया और बाकायदा इलाके के हवालात में, थाने के हवालात में पा दिया, क्या पैसे दोगे तो कन्विक्ट होगे। तो जनाब, नाजायज़ गिरफ्तारी अंडर सेक्शन 342 पाकिस्तान पिनल कोड 1860 एक जुर्म है, और किसी शख्स को जानबूझकर नाजायज हिरासत में रखना अंडर सेक्शन 220 पाकिस्तान पिनल कोड 1860 जुर्म है। लेकिन जायज़ गिरफ्तारी के अंदर हिरासत से भागता है अगर एक मुजरम, देन अंडर सेक्शन 224 पाकिस्तान पिनल कोड 1860 एक जुर्म है। लेकिन गिरफ्तारी से बचने के लिए भागना या गिरफ्तारी से ग्रेज अगर कोई कर रहा है, हिरासत में नहीं है अभी तक, अभी वो भाग रहा है, अभी गिरफ्तार नहीं हुआ है, देन उसने कोई जुर्म नहीं किया। जब एक दफ़ा एक बंदा गिरफ्तार हो गया है, गिरफ्तार होने के बाद वो भागा है, देन वो शख्स जो है सेक्शन 224 पाकिस्तान पिनल कोड 1860 का मुर्तकिब हो गया है। और इस बात के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पहली दफ़ा बड़ी लंबी चौड़ी बहस हुई है केस में, बाद में यही बहस जो है वो मुख्तलिफ केसेस में रिवाइज की गई और ये मुख्तलिफ केस लास्ट में मौजूद भी है। पहली दफ़ा जो डिस्कशन इस पर होती है वो PLD 1963 सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पेज है 109। अब हर पुलिस ऑफिसर के ऊपर ये मैंडेटरी है, प्रोविजन है, ये लाजमी बात है उसके लिए कि वो जब किसी मुलज़म को गिरफ़्तार करता है तो वो वक़्त और मकाम गिरफ्तारी का वो दर्ज करेगा कि फलां जगह से फलां वक्त पे इस बंदे को मैंने फलां जुर्म में गिरफ़्तार किया है। ये बाकायदा तौर पर लाजमी है और ये सेटल्ड प्रिंसिपल है फौजदारी कानून का, और ये बात पाकिस्तान बनने से पहले ही बड़े वास्त तरीक़ेकार से, बड़े वाजह से बयान की गई, और ये रिपोर्ट हुआ ऑल इंडिया रिपोर्ट्स 1944 मदारस हाई कोर्ट पेज 483 के अंदर, और बाद में यही चीज़ जो है मुख्तलिफ पाकिस्तान के मुख्तलिफ आला अदलिया के जो केसेस थे उसमें ये रिपीट होती रही। अब अल्फाज से या अमल से गिरफ्तारी तस्लीम कर लेना किसी मुल्ज़म का, गोया ये माना जाएगा कि उसने गिरफ्तारी दे दी है। ये बात बाकायदा तौर पर पहली दफ़ा डिस्कस 1958 में PLD 1958 पिशावर हाई कोर्ट पेज 38 के अंदर इस बात को डिस्कस किया गया था। दोस्तों याद रखिएगा कि पुलिस की तरफ से एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स इंतहाई काबिल मजम्मत फेल हैं, क्योंकि इससे पुलिस के निज़ाम से अवामुन नास का इतमाद उठ जाता है, और ये फेल ना सिर्फ कानून की खिलाफ वर्जी है बल्कि ये पुलिस की तरफ से गैर इंसानी फेल है। एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है, और ऐसे वाक़ियात से माशरे में कानून का एहतराम जो है वो ख़त्म हो के रह जाता है, अदालती निज़ाम के ऊपर अवामुन नास का एतमाद ख़त्म हो जाता है, लोग अदालतों पे एतमाद नहीं करते, पुलिस पे एतमाद नहीं करते, कानून के पीछे, कानून के तहत पुलिस सिर्फ मुल्ज़म को गिरफ्तार कर सकती है अकॉर्डिंग टू लॉ, ताकि इस पर कानून के मुताबिक उस मुल्ज़म के ऊपर मुकदमा चलाया जा सके। अलबत्ता कानून से तजावज़ पुलिस नहीं कर सकती है, कानून इसको बाइंडिंग देता है, और अगर कानून से तजावज़ करती है पुलिस या कोई लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी तो देन अगर अवामुन नास अवेयर हैं देन वो उनके खिलाफ भी प्रोसिक्यूशन जो है वो की जा सकती है, और अगर कोई नाजायज़ गिरफ्तार करता है पुलिस अफसर तो अंडर सेक्शन 342 PPC और नाजायज़ हिरासत में रखता है तो अंडर सेक्शन 220 पाकिस्तान पिनल कोड उन पर मुकदमा करवा के उनको सजा भी करवाई जा सकती है। और पुलिस किसी मुल्ज़म की गिरफ्तारी के लिए सिर्फ सफिशेंट फोर्स इस्तेमाल कर सकती है
लेकिन गिरफ्तारी के बाद मुलजिम को मार देना ना सिर्फ गैर कानूनी है, गैर फितरी और गैर इंसानी फेल है। बाज़ औक़ात जो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स पुलिस के ज़रिए की जाती हैं उनके पीछे कुछ और मोटिव्स भी होते हैं, और जैली पुलिस मुकाबले इस वजह से आम तौर पर हमारे पंजाब में या पाकिस्तान में किए जाते हैं ताकि बहुत सी ऐसी हकीकतें होती हैं जो छुपाई जा सकें। जिस तरह से पिछले दिनों हमने देखा कि मुख्तलिफ पुलिस अफसरान ने वाजे कर दिया कि जनाब हमने फलां के कहने पे पुलिस मुकाबले जो हैं जाली किए थे। अलबत्ता दुनिया की अदालतों से अगर ये बच भी जाएंगे तो आखरत की एक अदालत है, उसमें ये कभी सूरत जालिम नहीं बच सकता। दुनिया में भी देखेगा, आखरत में तो अल्लाह का शदीद अजाब है। और इस तरह के मामला जो है एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट में बाकायदा डिस्कस किया गया और ये बात इंटरप्रेट हुई PLD 1997 लाहौर हाई कोर्ट पेज 135 के अंदर इस बात को इंटरप्रेट किया गया था। तो दोस्तों बात चल रही है एक मुलज़म की गिरफ्तारी के हवाले से, और गिरफ्तारी जो है एक मुलज़म की उसका तरीक़ाकार जो सेक्शन 46 मजमूआ ज़ाब्ते फौजदारी 1898 के अंदर दिया गया है, जिसके ताबे एक शख्स को गिरफ़्तार करने का तमाम जनरली प्रोविजंस मौजूद हैं। और एक मुलज़म को पुलिस गिरफ़्तार कर सकती है और उसके लिए कानून के दायरेकार के अंदर हर वो तरीक़ाकार जो कानून जिसकी इजाज़त देता है वो इस्तेमाल कर सकती है। और किसी किस्म का पुलिस या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को कोई इस्तेहकाक नहीं दिया जाता कि एक शख्स जिस पर जुर्म काबिले सज़ाए मौत या उम्र कैद का इल्ज़ाम नहीं है उस बंदे को हलाक कर दिया जाए। हलाकत सिर्फ इसी सूरत में है कि जो मुलज़म है वो कैपिटल पनिशमेंट का जुर्म है उसके उस इल्ज़ाम लगा है और वो रेजिस्टेंस कर रहा है, तो उसकी गिरफ्तारी करने के लिए अगर वो हलाक हो गया है देन कानून सेक्शन 46 सब सेक्शन 3 मजमूआ ज़ाब्ते फौजदारी 1898 जो है इस बात की इजाज़त दे रहा है। और सेक्शन 46 के तहत ये भी है कि अगर मुलज़म ख़ुद को गिरफ्तारी के लिए पेश कर दे देन पुलिस अफसर को कोई इख्तियार नहीं है कि वो उस मुलज़म के ऊपर तशद्दुद करे, लेकिन अगर ऐसा मुलज़म गिरफ्तारी से बचने के लिए कोशिश करे या मज़ाहमत करे या फ़रार होने की कोशिश करे देन पुलिस ऑफिसर जो है अंडर सेक्शन 46 सब सेक्शन 2 CRPC 1898 जो है वो उसकी हल्की फुल्का ताकत का इस्तेमाल करके उसकी पिटाई कर सकता है, तशद्दुद कर सकता है। लेकिन वाज़े रहे कि ये जायज़ हद तक सफिशेंट फोर्स होनी चाहिए, ये नहीं है कि उसको मार मार के बिल्कुल बेहोश कर दिया जाए और बिल्कुल उसको अदमुआ कर दिया जाए, ऐसा नहीं है। और ना ही किसी किस्म का पुलिस या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के पास गैर ज़रूरी ताकत इस्तेमाल करने का कोई इस्तेहकाक है। ये गैर ज़रूरी ताकत का इस्तेमाल पुलिस और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी सिर्फ उसी सूरत में करती हैं जब आवाम मेरे जैसी नालायक हो और लोग अवेयर ना हो, कानून को जानने वाले ना हो, देन वो नाजायज़ भी किया जाता है। लेकिन अगर लोग उसको समझें और उस पर एक्शन लें देन आवाम की पावर कानून की ताकत जो है ऐसे लोगों को प्रोसिक्यूट किया जा सकता है। और याद रखिएगा कि पाकिस्तान की आला अदलिया हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बिला वजह गैर ज़रूरी ताकत का इस्तेमाल गिरफ्तारी के प्रोसेस में उसकी हौसला शिकनी की है। अगर मुलज़म के ऊपर ऐसे जुर्म का इर्तकाब का इल्ज़ाम है जिसकी सजा कैपिटल पनिशमेंट है देन उसको ज़ख्मी हो गया है, हलाक हो गया है देन तो ठीक है, लेकिन छोटे मोटे जुर्मों में कभी भी ज़ख्मी नहीं किया जाना चाहिए एक मुलज़म को। तो दोस्तों चंद बातें हैं अरेस्ट ऑफ अक्यूज़ के हवाले से, बातें चलती रहेंगी, एक दो सेगमेंट्स में हम इंशाल्लाह इस पर डिस्कस जो है अरेस्ट के हवाले से हम पूरी कर लेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।